हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विदेशी आई यूट्यूब पे। स्टूडेंट्स, कल जैसा कि मैंने आपको यूट्यूब पे सबसे पहले ये खबर बताई थी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के जितनी भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी की परीक्षाओं, उन सभी के प्रमोशन के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है और वहाँ पर अंतिम वर्ष के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी की परीक्षाएं जो हैं वो 21 जुलाई से प्रारंभ होने वाली हैं। और साथ ही साथ प्रथम और द्वितीय वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के निर्णय के आधार पर, उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शन के आधार पर प्रमोट कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कल की जो वीडियो थी उसके बाद आप सभी के लगातार क्वेश्चन और कमेंट आ रहे थे, क्या सच में हम लोगों को प्रमोट कर दिया गया है, ऑफिशियली कोई वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये न्यूज़ बिल्कुल ही कन्फर्म न्यूज़ है। मैंने कल ही आपको ये न्यूज़ बिल्कुल कन्फर्म करके ही अपलोड की थी और मैंने आप सभी को बताया भी था, आप सभी ने वीडियो को बहुत सपोर्ट भी किया था। तो स्टूडेंट्स, उसी को लेकर आज यहाँ पर मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आज के अखबारों में ये न्यूज़ भी प्रकाशित हो चुकी है और मैं आप सबके सामने यहाँ पर न्यूज़पेपर को भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है अवध विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 21 जुलाई से। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूज़पेपर में वही खबर प्रकाशित हुई जो मैंने कल आपको स्पष्ट रूप से बता ही दिया था। तो स्टूडेंट्स, खबर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल अंतिम वर्ष की ही परीक्षाएं होंगी और साथ साथ जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं सभी को अंतिम रूप से प्रमोट कर दिया गया है और आप सभी अब अपनी अगली कक्षा में एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो अंतिम वर्ष के बच्चे हैं उन सभी की परीक्षाएं 1.5 घंटे की होंगी, जैसा कि कल ही मैंने आपको बता दिया था। और साथ साथ इस 1.5 घंटे के पेपर में लिखित परीक्षा ही होगी, प्रश्नों को कम कर दिया जाएगा, प्रश्नों के खंड उतने ही रहेंगे जिस प्रकार से पहले सेक्शन ए बी सी इस तरह से अगर आपके पेपर होते थे तो बिल्कुल परंपरागत तरीके से ही यहाँ पर पेपर बनाए जाएंगे। किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, बस समय की अवधि को यहाँ पर घटा दिया गया है और विस्तृत टाइम टेबल भी बहुत ही जल्द ऑफिशियली वेबसाइट पर आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही ऑफिशियली टाइम टेबल आएगा सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।